नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2018-19 कक्षा 10, और आज का दोस्तों सब्जेक्ट है विज्ञान। यानी कि दोस्तों हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें जो साइंस का हुआ है उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों पूर्णांक आपका 70, समय था आपके पास 3.25 घंटे, कुल प्रश्नों की संख्या है 4 और कुल छपे प्रश्नों की संख्या है 27। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपको बुक में इसके आंसर मिल जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, पार्श्व परावर्तन क्या है? समझाइए। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट पर कैसे निर्भर करता है? शक्ति किसे कहते हैं और शक्ति का मात्रक क्या है? हल्दी का वानस्पतिक नाम। और दोस्तों फिर कोहरे में प्रयुक्त लैंप में किस प्रकार के बल्ब काम में लेते हैं तथा पीले रंग का कागज ड्राइविंग में कैसे मदद करता है? बात करते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की। दोस्तों देखिए, सातवां क्वेश्चन आपके सामने, रमन प्रभाव क्या है, इसका क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 8, डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? नेक्स्ट आपके सामने पेज टर्न ओवर। बात करें आगे के क्वेश्चनों की, तो आगे का नौवां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 10वां 11वां 12वां 13वां। और दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चनों की। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 17 तक आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मेंडल का भी क्वेश्चन है, संयुक्त फाइब्रोसिस रोग के लक्षण कारण प्रतिरक्षिका नामांकित चित्र कोलोफोरम में कुछ मात्रा में मेथिल एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? पाचन कार्य में सम्मिलित अंगों के नाम, ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चनों की। क्या आगे के जो 17 क्वेश्चन है उसमें दो पूछी थी आपको, परिभाषा परमाणु त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। और दोस्तों बाकी आप 18 क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत यूनिट पूछा है, राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रहण की विभिन्न पद्धतियों का आपको वर्णन करना है और इन प्रतिरोधों का संयोजन अधिकतम और न्यूनतम में आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न के वैज्ञानिक नाम लिखो और उसका महत्व भी आपको लिखना है। तो जूट है, लाख कीट है, मूंगफली है। 22वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं? और 23वां, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट एवं कार्यविधि आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। और जो 24वां क्वेश्चन है, दो हम माजा जन तंत्र का नामांकित चित्र और अंगों की क्रियाविधि आपको बताना है। इसके अथवा जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। मैं दोस्तों इसके मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, पाचन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों के महत्व को समझाना है। आगे 25वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह भी अथवा का क्वेश्चन है। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चनों की हम बात कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चन ये हैं, दृष्टि दोष वाला ये अथवा का क्वेश्चन था, ठीक है ना। पिछले 25वें में से 26वां आपको दिख रहा है दोस्तों, रासायनिक नाम बनाने की विधि तथा उपयोग, ठीक है। और निम्नलिखित का आपको सूत्र पूछा है, और निम्नलिखित आईयूपी सीत नाम वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो बाकी बचे हैं वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। बचे हुए क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, CH2 डबल बॉन्ड, CH CH2 Cl, ठीक है ना, CH3 CH3, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। तो प्राकृतिक नाइलॉन 6 6 के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों विज्ञान का हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।